Hello friends, welcome back of you in another video in YouTube channel Civil Engineering and Technology. आप सभी का स्वागत है YouTube channel CENT. आज मैं बताता हूँ slab reinforcement. ठीक है, आपने देखा होगा कि first floor, ground floor, third floor, ठीक है, उसमें slab में reinforcement कैसे provide करते हैं. चलो हमारे पास ये drawing है, ये हमारे पास drawing है ground floor की, first floor, second floor, ठीक है, उसके बाद है ये third floor की, ये फोर्थ फ्लोर प्लान है. ठीक है, इसमें हमें देखना है स्लैब में किस तरह से हमें स्लैब में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. आपने देख मोस्टली देखा होगा जो स्लैब में प्रोवाइड किस क्या क्या करते हैं, एक तो वन वे एंड टू वे स्लैब होती है. ठीक है, वन वे टू वे स्लैब, उसके बाद इसमें आप क्या देखना है स्लैब की थिकनेस, उसके बाद ये जो डाउन पोर्शन है ये देखना है. ठीक है, और डाउन पोर्शन की भी थिकनेस. तो आज हम इसमें सारे रेइंफोर्समेंट देखते हैं, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा बार, चलो अब सब, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में बहुत सी रिलेटेड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. चलो आगे शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, स्लैब सब में स्लैब है जो इस बीम से इस बीम तक का, ठीक है, जो ये रेक्टेंगुलर में है सब में स्लैब गिवन है. ठीक है, और सबके नेम गिवन है, S3, S4, S3, S4, S4, S4. बी वन के बारे में मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अब स्लैब की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है इसमें सभी डाटा गिवन है. ये क्रॉस सेक्शन है स्लैब का, और इसमें देखना है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, हमें किस तरह से इसमें क्रैंक बार प्रोवाइड करना है, वो वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब कौन सी होती है, यह मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में. ठीक है, तो हमें इसमें स्लैब में देखना है थिकनेस क्या है, S1 स्लैब वन, उसकी थिकनेस क्या है 115 mm. उसके बाद है मेन बार, 8 डाया है, 225 सेंटर टू सेंटर है, किसमें, मेन बार में, मेन बार एंड क्रॉस बार. क्या आपको पता है मेन बार कौन सा होता है, क्रॉस बार कौन सा होता है, वो सब मेरे डिटेल सब उसमें गिवन है. आपने देखा होगा, देखिए शॉर्टर स्पैन जो स्लैब का ये वाला शॉर्टर स्पैन होगा, इसमें देखना हमें S1 में 115 mm थिकनेस है, सभी 115 थिकनेस है सभी स्लैब में. ठीक है, उसके बाद देखना है शॉर्टर स्पैन, 8 का डाया है, 225 सेंटर टू सेंटर है, ये स्लैब वन है, डाउन पोर्शन है ये. ठीक है, इसकी 115 थिकनेस है, तो ये बीम के बॉटम में जाएगी. और जो ये हमारा ये Y1 है S1, ठीक है, ये वाला, इसका पोर्शन मैं अभी दिखाऊंगा, इसमें सेक्शन में लास्ट में दिखाऊंगा मैं इसको. ठीक है, उसके बाद ये डाउन पोर्शन हम किस लिए रखते हैं, क्योंकि जो सैनिटरी वर्क होता है, ये डाउन पोर्शन जैसे किचन है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है. ठीक है, ब्रिक वर्क की ड्राइंग में उसमें गिवन है सभी, वो दिखा दूंगा उसमें. तो इसमें हमें डाउन पोर्शन लेना है स्लैब से, ये बीम के बॉटम में जाएगा, 115 mm थिकनेस है, और 8 mm डाया है, 225 सेंटर टू सेंटर है. अब देखना है इसमें शॉर्ट स्पैन ये वाला है. ठीक है, ये शॉर्ट स्पैन है, इसके सेंटर से इसका सेंटर हमें लेना है 225. अब लॉन्गर स्पैन में भी, अभी लॉन्गर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन में भी 225 लेना है, ऐसे भी 225, ऐसे ही ये है S1, ऐसे भी ये 225. ठीक है, डाउन पोर्शन में कोई क्रैंक बार नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बीम बॉटम में जाया हुआ है. ठीक है, बॉटम में, अगर बीम के हम ये स्लैब की बात करते हैं, टॉप पे बिल्कुल स्लैब रेइंफोर्समेंट करते हैं, जैसे ये सेक्शन है, बट इसमें जो सेक्शन कटा हुआ है नीचे से है, इसका सेक्शन सब गिवन है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं S2. S2 में ये है, S2 में डाउन पोर्शन है ये भी, इसमें क्या सेंटर टू सेंटर 225 एंड 225, शॉर्ट स्पैन, ठीक है, और लॉन्ग स्पैन में भी 225, इसके सेंटर से इसका सेंटर, बार का, ये बार हम प्रोवाइड करेंगे बीम तक ले जाएंगे, इसका सेंटर 225 होना चाहिए, इस बार के सेंटर से इस बार का सेंटर 225, और डाया क्या है 8 mm. ठीक है, चलिए अब देखते हैं S3 कौन सी है, ये वाली S3 है. ठीक है, इसमें 115 mm थिकनेस है, 115 mm थिकनेस है, 8 mm का डाया है, और 200 सेंटर टू सेंटर है, शॉर्ट स्पैन. अब ये शॉर्ट स्पैन है, ठीक है, अब इसमें देखना है वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है. अगर वन वे स्लैब है तो हम इसमें ओनली मेन बार में ही क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे, अगर ये टू वे स्लैब है तो बोथ साइड क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे. अब ये
अगर वन वे स्लैब टू वे स्लैब ठीक है, मैं बता चुका हूँ, अब देख लेना उसमें। तो ये अगर वन वे स्लैब कौन सी होती है, वन वे स्लैब वो होती है जिस जिसका रेशियो 2 के बराबर हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, एल अपॉन बी इक्वल टू 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, और टू वे स्लैब होती है एल अपॉन बी 2 से कम हो। ठीक है, तो ऐसी लेना है। तो इसमें हम प्रोवाइड क्या करेंगे, 8 का mm डाया है और 200 सेंटर टू सेंटर है, ये मेन बार है। ठीक है, शॉर्ट स्पैन मेन बार, ये हम इसमें मेन बार प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ऐसे क्रैंक बार प्रोवाइड कर देंगे, तो ये इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे। ठीक है, अब इधर से बार आएगा, इससे बार आएगा, इसके नीचे से ले जाना इसको बीम के। ठीक है, सेटरिंग होती है 115 mm की थिकनेस से लेंगे, तो सेटरिंग भी हम 115 mm इसको नीचे कर देंगे। जैसे ये है, ये हमारा बीम है। ठीक है, ये वाला बीम है और इधर से ये बीम है, ये लास्ट बीम एंड ये लास्ट बीम, ये बीम। ठीक है, अब इसमें ये देखना है, ये L1 है, इस बीम तक ये L1 हो गई, फिर इस बीम से इस बीम तक ये L2 हो गई। ठीक है, ये L2 है और ये L1 है। ठीक है, अब इस बीम से इस बीम तक हमें एक्सटेंड करना है। ये अपने देखना है क्रैंक बार, क्रैंक बार की डिस्टेंस क्या है, 0.15 इंटू L1। L1 क्या है, इस बीम के सेंटर से, इस बीम का सेंटर आपका L1 है और 0.15 हमें यहाँ से क्रैंक बार ही तोड़नी है, क्रैंक बार हमें ये प्रोवाइड करना है इधर से। सपोज कीजिए इस बीम की चौड़ाई है 2 मीटर, 2 मीटर इसकी स्लैब की चौड़ाई है, इसके बीम के सेंटर से इसके बीम का सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, 0.15 इंटू 2 इक्वल टू 30। ठीक है, 30 आ गया। तो यहाँ से हमें 300 mm इसके सेंटर, ठीक है, इसके जो बीम का किनारा है, इसके किनारे बीम के किनारे से, बीम के एजिंग से इसके यहाँ तक तक 300 लेना है। ये 300 पे हम क्रैंक बार ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे जाएगा बार, तो ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इधर से बार आएगा, तो ये बीम का सेंटर से ये 300 लेंगे, तो इसको ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आएगा। उसके बाद देखना है इसमें क्या क्या है, 0.15 बहुत साइड, दोनों साइड ये गिवन ही है, नीचे भी टॉप पे भी, अब इसमें भी ऐसे गिवन है। जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू L1 इस बीम के सेंटर से, ये भी इसका, अब ये भी देखना है, इस बीम के सेंटर से इस बीम का सेंटर तक सपोज कीजिए है 3 मीटर, 3 मीटर है इसके सेंटर से, बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक 3 मीटर है। अब हमें भी इसमें क्रैंक बार प्रोवाइड करनी है, तो क्या है, 0.15 इंटू 3 450। तो इसके सेंटर से यहाँ तक 450 आप मेज़र कर लीजिए। ठीक है, निशान लगा दीजिए 450 पे, तो अब ऐसे जाएगा बार, तो ऐसे प्रोवाइड कर देंगे आप। ठीक है, ये बीम है आपका, ये वाला बीम हो गया और ये बीम हो गया है। तो आप इसके सेंटर से यहाँ तक का ये लेंगे 0.45, मतलब 450 mm। तो बार ऐसे ही जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से प्रोवाइड ऐसे क्रैंक तोड़ते चले जाएंगे ऐसे, तो इसके जो इधर से आएगा बार सीधा, तो वह ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, इसके सेंटर से इसका सेंटर ये आ गया होगा 450 mm। ऐसे ही इसमें कितना आया था बीम के सेंटर से, इस बीम के सेंटर से ये कितना है, 300 mm, इसे भी ये 300 mm है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 300 mm है। तो इसमें ऐसे बीम के प्रोवाइड करेंगे ना, ऐसे बार क्रैंक ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, फिर इधर से जो बार जाएगा सिर्फ क्रैंक टूट जाएगा। ये सब मैंने वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में सब सिखाया हुआ है, बट हमें जो डायमेंशन गिवन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है। तो ठीक है, अब हमें देखना है एल, ठीक है ये पॉइंट हो गया। अब ये देखना है मेन बार क्रॉस बार कौन सा प्रोवाइड करना है। मेन बार हमें लेना है स्लैब थ्री में मेन बार है 8 mm डाया, 200 सेंटर टू सेंटर लेना है हमें इसमें। सबसे मेन बार में ऐसे 200 सेंटर टू सेंटर कर देंगे। ठीक है, ऐसे शॉर्ट स्पैन में वाल के स्लैब के। ठीक है, उसके बाद है
एटीएम डाय 200 सेंटर टू सेंटर, क्रॉस बार में भी 200 हो सेंटर टू सेंटर ऐसे लॉन्ग स्पैन में, ठीक है लॉन्ग स्पैन ये क्लियर। अब ऐसे ही स्लैब फोर में आ जाते हैं, स्लैब फोर, अब इसमें स्लैब फोर ये गिवन है, अब स्लैब थ्री वन थ्री थ्री थ्री, इसमें भी थ्री फोर फोर, बस इसमें चेंजेस डाउन पोर्शन में और लास्ट फ्लोर में क्या फ़र्क होता है, ये जो डाउन पोर्शन होते हैं ये थर्ड फ्लोर तक होंगे, फिर जो लास्ट फ्लोर आ जाएगा आपका थर्ड फ्लोर आ जाता है तो उसमें डाउन पोर्शन कोई नहीं होते हैं, ओनली स्लैब फ्लैट हो जाती है, ठीक है टोटल टोटल आकर। अब ऐसे ही एस फाइव है, उसका सेंटर सेंटर शॉर्ट स्पैन में आपको देना है, एटॉमिक डाया है 200 सेंटर सेंटर है, फिर एटॉमिक डाया है 225 सेंटर टू सेंटर है लॉन्ग स्पैन में, ये एस फाइव है, एस फाइव फोर थ्री फोरी, ठीक है ऐसे ही हमें एस फाइव में प्रोवाइड करना है, ये एस फाइव हो गई, ठीक है ये लास्ट फ्लोर में जाते ही एस फाइव हो जाएगी, ये शॉर्ट स्पैन हो जाएगा, ठीक है और ये लॉन्ग स्पैन, और शॉर्ट स्पैन में किस तरह प्रोवाइड करना है, एटीएम का 200 सेंटर सेंटर ऐसे 200 करना है, फिर ये लेना है 225 ऐसे 225 सेंटर टू सेंटर, ठीक है उसमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है क्रैंक बार हमारी क्लियर, फिर इधर से भी क्रैंक बार क्लियर 0.3 इंटू एल टू, जब आपकी ये स्लैब है सपोज कीजिए ये एल वन है, इस बीम से इस बीम तक ये एल वन है और इस बीम से इस बीम तक ये एल टू है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्रैंक बार प्रोवाइड कर दिया है, ऐसे स्लैब हो गई, ऐसे प्रोवाइड हो गया, अब इसमें आपको देखना क्या है, एक्स्ट्रा बार ऑफ सेम डाया इन बिटवीन टू क्रैंक बार, अब इसमें से इधर से जो प्रोवाइड क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे तो इसमें एक आपको एक्स्ट्रा देना है दोनों के बीच में, क्योंकि गैप बन जाता है, तो उसके एक्स्ट्रा की लेंथ क्या होगी, जो इसका सेंटर से सेंटर है L1, L1 और L2, सेंटर सेंटर इसका L2 है 0.3 आप मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली, ठीक है सपोज कीजिए इसका 2 मीटर है, एक्स्ट्रा बार की लेंथ क्या निकालेंगे, सपोज कीजिए इस बीम से इस बीम तक सेंटर है 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर इंटू क्या है गिवन है 0.3 इंटू 2 क्या आएगा 0.60, तो आप ये 600 अब ऐसे ही ये ले लेते हैं, इसे पूछ कीजिए ये आ गया आपका पास 3 मीटर, तो 0.3 इंटू 3 क्या आएगा तो 6 एंड 9, तो ये देखा आपने ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसकी बीम की विड्थ देखनी है, विड्थ आपकी विड्थ इसकी क्या है 230, ठीक है ये बीम के थिकनेस है 230 mm, तो 0.60 प्लस 0.23 प्लस 0.90 क्या हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स 1.73, तो इसकी जो लेंथ आएगी 1.73 मीटर हम प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ आएगी 1.73, ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आप ऐसे प्लस कर जाएंगे, जैसे इसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे क्रैंक बार प्रोवाइड किया आपने, तो इसमें से आप इसके इसके सेंटर से इसका सेंटर को एल 0.3 इंटू एल वन प्लस प्लस बीम की विड्थ, बीम की मैं बता चुका हूँ 450 है वो 230, ठीक है उसके बाद ऐसे ही इसमें ऐसे प्रोवाइड करते जाएंगे, तो ये ले लेना है आपका एक्स्ट्रा बार हो गया क्रैंक बार हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर ये देखना है डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रैंक बार एक्स्ट्रा बार आपको वही लेना है जो सेम है 8 mm का डाया आप स्लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं तो 8 mm का लेना है सभी में 8 mm है, क्रैंक बार ऑफ एडजेसेंट स्लैब, ठीक है फ्रेंड क्रैंक बार हो चुका है 8, फिर आपको देखना है डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया है एट द रेट ऑफ 300 डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट, आप जैसे ही क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं ना स्लैब में इस तरह से, यहाँ पे आप क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, ये टॉप में चले गया, अब टॉप में जाने के बाद इसमें आप इसके टॉप से इसके बॉटम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करना है, ऐसे उसकी डाया क्या है उसकी सेंटर टू सेंटर क्या है वो गिवन है 8 mm डाया है और 300 सेंटर टू सेंटर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर सेंटर है, ठीक है फ्रेंड्स जनरल सेलेक्ट करने के लिए। थिकनेस आपको पता है थिकनेस सबकी 115 mm थिकनेस है, ठीक है क्रॉस बार एंड मेन बार क्लियर,
ऐसे ही आपने इसमें प्रोवाइड कर देना S5 है, S5 ये है, ऐसे इसमें S5 में सम गिवन है 115 mm, ठीक है ना, ऐसे 8 mm डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर है, ये आप ये शॉर्ट स्पेन है तो आपको ये ऐसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें आप ये टॉप में गया है बीम में तो आप इसमें क्रैंक बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से अब बीम का सेंटर से, बीम का सेंटर से वही आपको लेना है। अगर आपको इसमें कोई क्लियर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।